अरे भाई वाला बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड वाला अब देखो मॉडल सेट का जो है 11 नंबर का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है 5x स्क्वायर। देखो ये 5 जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकलेगा जी x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या होता है 2x का क्या होता है पावर, क्या होता है गुणा होता है, पावर उससे घट जाता है 5×2 10। अब देखो मॉडल सेट में अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, साइन 3x बटे क्या है 3 है। अब देखो ये जो 3 है ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, ये क्या होगा बाहर निकल आएगा, ये आपको होगा साइन 3x हो गया ना 1/3। तो देखो साइन का क्या होता है कोस होता है जी सर, कोस 3x हो गया। एक्स अगर रहता 3x नहीं रहता, ओनली क्या रहता x रहता तब तो हो गया 1/3, यहाँ पर कोस x हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 ही होगा, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है, ये गुना आपको 3 हो गया, 3 कट गया कोस 3x, ये आंसर हो गया। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 2x है ना जी, यहाँ पर देखो इफ पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इफ पावर एक्स से होता है, इफ पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले क्या करो ये तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे बनाएगा। यहाँ पर देखो इफ पावर एक्स होता है तो यहाँ पर भी क्या होता है डी एक्स होता है, एक्स होता है समझ गया ना, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या भी होगा 2x होगा और यहाँ पर 2x बटे क्या होगा डी एक्स, इफ पावर एक्स का क्या होता है इफ पावर एक्स यानी 2x से एक्स की जगह तो क्या होगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा, तो 2 इफ पावर क्या हो गया 2x। शॉर्टकट में बनाना हो ऑब्जेक्टिव है तो कैसे, जैसे इफ पावर 2x है ना, तो सोच लेना कि इफ पावर x का क्या होता है, इफ पावर x से होता है, x में क्या गुना है 2 गुना है ना, तो एकदम ट्रिक के माध्यम से 2 गुना कर दो हो गया गुना cos 3x गुना 3 आपका क्या इरादा है इस बार, ऑप्शन मान के चलो 10 विकल्प आपके पास मौजूद है जो सुना था जो सुना वही बोले। देखिए अब ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, तो एकदम ज्यादा एकदम समय नहीं गमाना है, एक ट्रिक के माध्यम से बनाना है समझ गया ना। सोचो कोस का क्या होता है साइन 2x हो गया ना, एक्स में क्या गुना है 2, तो 2 ऐसे गुना कर देना -2 sin 2x समझ गया ना। अच्छा कोस का क्या होता है -sin, कोस का क्या होता है एक्स में जो गुना रहेगा आगे में गुना कर देना बनेगा ना जी। अब देखो 15 नंबर का सवाल अल्लाह बेसी हो रहा है ये कोस एक्स ई टू दी पावर क्या है एक्स है ना। अब देखो कोस का क्या होता है ऑब्जेक्टिव है ना, तो माइनस साइन होता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन, ई पावर एक्स का क्या होता है यहाँ पर ना एग्जाम में देखिए इसमें ये गुण है बोलो यहाँ पर नहीं बना सके लेकिन एग्जाम में बनाएगा जरूर बनाएगा सर का सब उठा के बोलते थे फर्स्ट डिवीजन आएंगे सर का रास्ता नहीं करेगा। देखो log 2x है समझ गया, log 2x तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x 1/x ऐसे ना,
तो वन बाय एक्स एक्स के जगह की छे एक्स के अलग टू एक्स टू एक्स तो वन बाय का की है टू एक्स में की गुना छे टू दो गुना दो तो गुना की है दो दो देखो तो हर जगह वे आती है छे देखो तो एक्स में जो गुना रहे ओकरा गुना कह दे छे ना कट गेले वन बाय का की बात है और दिक्कत छे ये 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट नया आया ना है ना देखो ऑब्जेक्टिव है मैं है तो एकदम ऑब्जेक्टिव में जब है तो एकदम इजी तरीके से ना बनाना है कम समय में तो देखो ई पावर एक्स को हम क्या लिखते हैं ई पावर एक्स से लिखते हैं एक्स का मान क्या है कोस एक्स है ना माइनस एन है तो माइनस एन लिख तो क्या लिखेंगे कोस का क्या होता है माइनस साइन तो माइनस साइन एक्स ई पावर क्या होगा कोस एक्स हो गया ना जब आपको इस प्रकार से देगा बोलो तो ई पावर साइन एक्स तब क्या करेगा अगर ये दिया है तो ये आपको काफी विवियाय हो सकता है काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 99% तो देखो एकदम सिंपल बात ये जो है साइन एक्स यहाँ पर क्या लिख दो पावर एक्स साइन एक्स 18 में क्या है जे पावर 2x देखो ए पावर एक्स का तो फॉर्मूला जानता है ए पावर एक्स का क्या होता है ए पावर एक्स का क्या होता है पावर एक्स लोग ए होता है समझ गया ना तो देखो तो उसी प्रकार से समझो कि ये पूरा मान क्या है ए पावर एक्स है पूरा मान क्या है नहीं देखो सिंपल रूप से इतना सोच दो एक्स में क्या गुना है दो एक्स में जो गुना रहता है गुना में आता है ना एक्स में दो गुना है तो दो होगा गुना में होगा ही आप देखो समझ लो कि ये ए पावर एक्स है ए पावर क्या है टू एक्स नहीं एक्स ए पावर क्या होगा टू एक्स लॉग ए लॉग ए एक स्थान पर क्या है यही है यही आंसर 19 में एक्स बराबर ए कोस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा ये हो गया ना अब डी एक्स बाय क्या होगा डी थीटा तो कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा ये क्या होगा साइन थीटा ये समीकरण आपका एक हो गया दूसरा देखो डी वाई वाई क्या करोगे डी थीटा ये तो हो ही नहीं गया साइन का क्या होता है कोस थीटा हो गया ना ये समीकरण क्या हो गया दो अब क्या करोगे डी वाई वाई डी एक्स का मान निकालना है जी। तो सिंपल रूप से सोचो कि पहले डी वाई वाई डी थीटा रहेगा कि डी एक्स पे डी थीटा रहेगा रहेगा यानी समीकरण दो में किससे भाग देगा समीकरण दो में एक से नहीं एक से भाग देगा देखो कट भी रहा है फिगर नहीं कट रहा है चलिए तो ये डी वाई बाय क्या हो गया डी थीटा बटा डी एक्स बाय क्या हो गया डी थीटा डी वाई बाय डी थीटा का मान क्या है ए कोस थीटा इनका मान क्या है ए साइन थीटा थीटा ये कट गया इनको हम क्या लिखते हैं कोस थीटा ये कट गया ना डी वाई बाय डी एक्स का मान क्या होगा माइनस कोस थीटा हो गया देखो बीस में देखो डी स्क्वायर उसके बाद क्या है डी एक्स स्क्वायर है ना लेट वाई बराबर क्या हो गया ना डी एस पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं
तो पावर क्या होता है? गुणा होता है, पावर में से ग्रहण करता है। फिर एक बार करो डिफरेंशिएट। तो 19 क्या हो गया? 38। अब वाई का मान क्या है बोलो? वाई का मान क्या है? एक्स पावर और इनका मान क्या है? 380। एक्स पावर क्या हो गया? 18। देखो एक्स पावर क्या दिया है? हुक और कर्व जो है अरे सर जी पर जो है ना आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की ढाल। तो वाई का मान दिया है ना, देखो ढाल से डी वाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं? ढाल। एम बराबर टेन थीटा को हम क्या कहते हैं? ढाल। एम बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। ढाल मतलब क्या हो गया? ढलन। ये ढलन है ना, देख रहे हैं इसी को ढाल करते हैं। मकान एकदम ढलाई करता है, सजी खुली बात नहीं, ढाल होता है, सब चीज में ढाल दिया जाता है। और ढाल नहीं देगा तो एकदम प्लेन, क्या बोलते हैं? प्लेन। तो इनको x के सापेक्ष अवकलन करो। y को हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या होगा? dy बाय डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। 2x का क्या होता है? 2x का मान क्या दिया है? 2। तो 2 गुना 2 माइनस क्या हो गया? 2। 2 दूनी 4 में से 2 गया, क्या होगा? किसका पेपर का सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव देखो ना। रूट ओवर क्या है? देखो सब्जेक्ट ट्रिक के माध्यम से बना दे कि एकदम विस्तार पूर्वक। नहीं नहीं ट्रिक ओनली नंबर बनो ने एकदम फुल में फुल मार्क उठाने का नियम किया है। सीधा सवाल क्या बोला? इनको लिख दो डिफरेंशिएटिंग रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग इन्हें डिफरेंशिएशन लिख देना। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखिए बहुत साइड लिखने का मन हो तो लिख दो, नहीं तो कोनो बात नहीं। डिफरेंशिएट करेगा तो एक बगल थोड़े नहीं होगा, दोनों बगल होगा। तो ये देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का अर्थ हो गया कि डी बटा डी एक्स दोनों तरफ गुना, समझ गया ना? ये हो गया। और वाई का मान यहाँ पर वाई है ना, और वाई का ये मान क्या है? रूट 5 प्लस 2 एक्स माइनस 4 एक्स 5 पावर 5 है। पावर 5 लो। अब सोचना क्या है, आप क्या जानते हैं इस पर विचार करना है। रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं आप? क्या जानते हो? रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 √x। ये तो हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसलिए इनको हम क्या लिखते हैं? मतलब रूट के अंदर में जो रहता है ना उनका भी एक बार डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन वाला मान रख देते हैं, यानी उनका भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, समझ गया ना? देखो मान जब निकल गया तब डिफरेंशिएशन हो गया, समझ गया ना? जिनको हम अब कलज बोलते हैं डेरिवेटिव वैल्यू। जब तक नहीं हो तो तुमको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, समझ गया ना? तो यहाँ पर देखो 1/2 क्या होगा? 2। ये देखो रूट वाला ने जी, तो क्या होता है? 1/2 रूट ओवर एक्स। एक्स के स्थान पर है क्या? 5 + 2x - 4x. उसके बाद देखो ये जो 5 है
अब इसके अंदर जैसे एक्स है, एक्स का भी ना डिफरेंशिएट होता है जी, जी। अब इसके अंदर में जो ये मान है इसका भी ना डिफरेंशिएट होगा जी, तो बांस का क्या होगा जीरो जीरो होगा ना। टू एक्स है तो टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। एक्स का क्या होता है वन होता है, तो दो गुना क्या होगा एक होगा ना। ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब पावर क्या होता है गुना, तो पंचो के पावर में से घट न जाता है। दो मार्क का सवाल है तो देखो ये जीरो है तो इनको तो छोट ये दो, तो दुक्का क्या हो गया दुक्का दो रोड बना मुरलीगंज होके जो जाता था घर, ओ आधा रास्ता बना इसको नहीं दिखेगा बस मधेपुरा से बना उधर, तब वो रास्ता सही है पूर्णिया से तो अच्छा जैसे था वैसे। मैं मुरलीगंज से जाइए ना सुपौल दया जैसे हवा में उड़ रहे हैं। एकदम घूम ले लो। अरे वा एरिया क्या हूँ अपने एरिया से अभी कतबो कुछ हो जाएगा। घूमने के लिए गया होगा कि बराती जाने के लिए एकदम यूज किया। चलो मेरे साथ ना हो बोलिए ना अपनी सोच नहीं जानते बताइए। अच्छा आज मान लीजिए ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया जी। रूट ओवर एक्स समझो ये क्या है रूट ओवर एक्स है तो वन बाई क्या होगा टू रूट ओवर एक्स जी। तो साइन का कोस का क्या होता है माइनस साइन हो गया साइन एक्स से रहता तो मामला खत्म था एक्स से नहीं है तो अब इनका भी डिफरेंशिएट होगा तो साइन का क्या होता है कोस रूट ओवर एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट ओवर एक्स। देखो वाई बराबर है रूट ओवर एक्स मेरे साथ टेन यानी कि लॉग रूट ओवर एक्स ये आपका यू हो गया ये आपका क्या हो गया जी साइन हो सकेगी डी वाई में क्या करोगे डी एक्स। देखो रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है वन बाय टू रूट ओवर एक्स। आप यहाँ ज्यादा दिमाग दोगे एक जगह हम बता दो रूट ओवर एक्स हो गया जैसे ही टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स का हुआ था ना स्थिर रहा था तो अब ये स्थिर रहेगा इसका होगा तो रूट ओवर एक्स रहेगा ही। टेन का क्या होता है लिख दीजिए एक स्क्वायर एक्स दिमाग नहीं लगाना है लोग रूट ओवर क्या हो गया एक्स। देखो तो चूंकि यहाँ पर एक्स रहता था तो मामला समझ गया था कुछ नहीं कहते लेकिन यहाँ पर ये मामला कर रहा है तो लोग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स की जगह क्या है रूट ओवर एक्स और रूट ओवर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। अब इनको सजा लेना।